वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं, अच्छे कोर्स शुरू करा है जो कि फिलहाल तो मैथमेटिक्स का है फिर जल्द ही उसमें साइंस और हिस्ट्री का वीडियो भी ऐड होना शुरू हो जाएगा तब तक मैथ की सीरीज में हमने रियल नंबर खत्म कर लिया पॉलिनोमियल खत्म कर लिया और मैं बोला था कि सीक्वेंस वाइज कुछ नहीं होता है कोई सीक्वेंस नहीं होता आप जैसे आपको पसंद है वैसे पढ़िए तो ये थर्ड लेक्चर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है फोर्थ जो आएगा प्रोबेबिलिटी का आएगा फिफ्थ जो आएगा सर्कल का आएगा लेकिन इसमें मेरा कहने मतलब क्या है कि तीन चैप्टर अगर मैं मैथ कब्मिट कर दिया तो तीन जब तक के लिए साइंस और एस का नहीं होता है फिर मैं मैथ वापस नहीं आऊँगा सब पहले जल्दी जल्दी करके क्या करेंगे हम लोग आज मैथ का लेक्चर है इसके बाद देखूंगा अगर टाइम मिलेगा तो मैं दोनों लेक्चर को अटेंड करूंगा नहीं तो एक एक लेक्चर कंटिन्यू आते जाएगा ठीक है टोटल आपका इतना चैप्टर है मैथ साइंस एसएसटी में सबका क्रैश कोर्स आएगा और इसके अलावा अगर कोई आपको बेनिफिट चाहिए जो कि आपको बोर्ड के लिए अच्छा हो तो आप हमारा खरी सकते खरीद सकते हैं स्टडी मटेरियल जी हाँ खरीद सकते हैं उसके लिए काफ़ी मिनिमम प्राइस रखी गई है जो कि आप एफोर्ड कर सकें ठीक है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं फिलहाल ये वीडियो जो है वो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का है अगर आप कॉर्डनेट ज्योमेट्री का ये वीडियो देखते हैं इसके बाद अगर आप एन बना करके मेरा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बनाते हैं देन यू आर नॉट नीड नॉट टू टेक केयर अबाउट दैट चैप्टर आपको इस चैप्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपका चैप्टर जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हो जाएगा ठीक है और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या इसका इमेजिंग नोट्स चाहिए या फिर वीवीआई वी टाइप का क्वेश्चन चाहिए सभी कुछ के लिए हमारा एक स्टडी मटेरियल बनाया हमने यू जस्ट हैव टू पे अ स्मॉल आपको बहुत छोटी सी कीमत देनी है बिकॉज एवरी थिंग कैन नॉट बी फ्री सब चीज़ को फ्री नहीं कह सकता जैसा कि जानते हैं अभी का समय है वो पैसे का समय है तो सब कुछ को फ्री नहीं कह सकता है कुछ चीज़ों को फ्री जो कि ज़रूरत लगता है मुझे कि हर कोई पैसा देकर एफोर्ड नहीं कर सकता इसके लिए मैं जितना हो सकता है फ्री करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे बट हर एक चीज़ को फ्री नहीं कह सकता है दोस्त उसके लिए हमें करने अपने तरफ से क्या कर सकता हूँ कि आपको खर्च कम करना पड़े आपका मुनाफा ज्यादा हो ऐसा मैं जरूर आपके लिए सोच सकता हूँ अगला बात क्या है कि मेरा स्टडी मटेरियल आप क्यों खरीदेंगे पहला बात देखिए कि मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया है वो स्पेशली मैंने खुद बनाया है ठीक है वो कैसे बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर देखा है मैंने दो बारह तेरह से लेकर के और जब तक मैंने दिया था वहाँ उस मतलब समझिए कि सी का सारा पैटर्न का मुझे अनुभव है कि कैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पिछले ईयर्स में और जो इस बार का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का ट्वेंटी ट्वेंटी का सॉरी जिसको मैंने सॉल्व भी करा आपके साथ करा है ठीक है आपने नहीं देखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहाँ से देख लीजिएगा आप या आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको एक प्ले बना हुआ मिलेगा सैम्पल पेपर फॉर टेंथ ठीक है वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ को एनालाइज करके कि सी बी कितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो सब मैंने इसमें डाल रखा है और हर एक टाइप का पाँच पाँच चार चार क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है ताकि एक आप सॉल्व कर लें मेरे से मेरे वीडियो में देख लें और बाकी चार आप खुद से सॉल्व करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लें ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए और ऐसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए क्या पढ़ाना चाहिए और अभी से एक परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए आप मेरा नोट्स मेरा स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं एक सवाल आपके मन में भी उठेगा कि सर वाई वी नीड स्टडी मटेरियल कि मुझे स्टडी मटेरियल की जरूरत क्यों है तो देखिए दोस्त आप जानते हैं कि आपको अगर अच्छा मार्क्स चाहिए बोर्ड में तो मैं बता दूं एक बात आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कुछ बच्चों को मैं देखता हूं क्या कि वो लोग क्या करते हैं आर डी शर्मा लेके बैठ जाते हैं और पूरे आर डी शर्मा को चार्ट जाते हैं बना करके ठीक है अच्छी बात है क्या वो आर डी शर्मा का बुक आपको मैथ में 80 नंबर से 81 नंबर दिलवा सकता है क्या नहीं दिला सकता ना अब मैथ में फुल में फुल ले आते हैं साइंस में लटक जाते हैं एस एस टी में लटक जाते हैं इंग्लिश में लटक जाते हैं संस्कृत में लटक जाते हैं हिंदी में लटक जाते हैं तो फिर क्या होगा तो तो गाड़ी समय नहीं बचाएंगे आपको तो सब कुछ का बैलेंस जरूरी है जिस तरह से शरीर के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन जरूरी है उसी तरह पढ़ाई के लिए बैलेंस सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आप किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते हैं हाँ ठीक है आपका वो पसंदीदा चैप्टर है पसंदीदा सब्जेक्ट है और उसमें गौर कर सकते हैं एक बार मैं बता दूं साफ साफ कि बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं मैथ और साइंस में और बच्चे का क्रॉस भी लगता है मैथ और साइंस में ऐसा क्यों होता है आप सोच के देखिएगा ठीक है तो देखिए आपको हर सब्जेक्ट में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है बोर्ड जो है बस कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है और बुक में क्या है हजारों टॉपिक दिया हुआ है तो हजार टॉपिक में से बोर्ड जो टॉपिक उठाता है ना वो उसको बोलते हैं हम लोग भी वी ए इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं और जो स्टडी मटेरियल होता है वो क्या करता है उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके लिए निकाल के दे देता है थाली में परोस के दे देता है ठीक है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है ठीक है जैसे कि आप मटर पनीर में से पनीर ढूंढते हैं तो ये पनीर निकाल के रख दिया आपको प्लेट में कि आपको मटर पनीर की सब्जी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है और आप सोच अब जा रहे हैं कि उसमें डाल तो डालिए कोई दिक्कत नहीं है नहीं। आप निकालिए दस निकाल के उसमें से समझ गए तो ऐसा काम होता है स्टडी मटेरियल का ठीक है और सवाल आता है सर की हमें देना कितना होगा देखिए दोस्त सिंस आई एम नॉट अ बिजनेसमैन मैं एक व्यापारी नहीं हूँ और न मैं आपके साथ व्यापार करना चाह रहा हूँ तो मेरा मकसद यही होगा कि आपका खर्चा कम हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो इसके लिए अभी से लेकर के एग्जाम तक का फुल सपोर्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू पे फाइव हंड्रेड रुपीज़ पाँच सौ रुपये देने हैं आपको अभी से लेकर के पूरे के पूरे आपके टेंथ के एग्ज़ाम होने तक उसके अलावा उसके साथ जो मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे पाँच सौ रुपये में वो सब जानिए अब ठीक है आप जो पाँच सौ रुपये देंगे उसमें आपको क्या मिलेगा हर एक चैप्टर का समरी हर एक चैप्टर का समरी मिलेगा आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा रिवीजन दो बार करवाया जाएगा और आपका जो डाउट सॉल्विंग होगा ना वो आपका होगा ट्वेल्व इंटू सेवन यानी कि बारह घंटा सातों दिन जब भी आपका डाउट आएगा आई विल ट्राई कि मिनिमम टाइम में जितना जल्दी हो सके उसको मैं सॉल्व करके आपको आपको उसको दे दूँगा आपको ठीक है ऐसा ऐसा आपके लिए किया जाएगा उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अगर आप ये पाँच सौ रुपये देते हैं आपको बाद में जा करके हजार रुपये आपका बचने वाला है पूछिए कैसे वो इस तरह से बचने वाला है बिकॉज आपको जो सैंपल पेपर जो बच्चे बनाते हैं लास्ट में वो सैंपल पेपर पूरा के पूरा बिल्कुल फ्री दिया जाएगा आपको फुल्ली फ्री सैंपल पेपर आपको दिया जाएगा जिससे कि क्या होगा नॉट ओनली सैंपल पेपर आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अभी पाँच सौ रुपया दे करके इस सीरीज को लेते हैं तो ठीक है अब बात करते हैं उनके लिए जिन जो भी बोले कि सर पाँच में तो आप सब एक पढ़ाइएगा सब कुछ दीजिएगा लेकिन मुझे सिर्फ एस चाहिए तो मैं क्यों पाँच सौ रुपये पे करूँ दोस्तों जिनको अगर सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं साइंस ले सकते हैं एक सौ पचास रुपये का मैथमेटिक्स ले सकते हैं वन फिफ्टी फिफ्टी रुपये का और आपका जगह एस एस ट्री लेना है तो आप अढ़ाई सौ रुपये दे करके फुल समरी फुल नोट्स कहाँ से पूछा जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कब क्या पूछा गया था सी बी एस ई का क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्वेश्चन मैप कहाँ से पूछा जाएगा बीबीआई क्वेश्चन क्या है क्या नाम पूछा जाएगा कौन सा ईयर पूछा जाएगा सब कुछ डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको ढाई सौ रुपये करने होगा लेकिन एक और बता दूं अगर आप अलग अलग लेते हैं तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करवाया जाएगा इसके लिए समय पेपर का कोई प्रावधान नहीं है अगर आप पूरा लेते हैं तभी सैंपल पेपर फ्री आपको दिया जाएगा ठीक है उसके बाद एक और बात आता है कि पचास रुपये जो है ना दोस्तों वो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है ठीक है पचास रुपये मतलब क्या हुआ आपका फाइव रुपये पर डे हुआ ठीक है एंड फाइव रुपए पर डे इज नॉट अ बिग डील ठीक है फाइव हंड्रेड रुपयी पर डे इज़ नॉट अ बिग डील इट इज़ फाइव रुपी पर डे दे. अब बताइए पाँच सौ रुपये देना आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप सोच के देखें कि अभी से आपके एग्जाम का करीब करीब वन हंड्रेड फिफ्टीन डे है मान लेते हैं हंड्रेड डे भी है तो आपका पाँच रुपये पर डे पड़ रहा है जो कि आपके एक बिस्किट का दाम होता है समझ रहे उतना कम दाम में आपका पूरा प्रिपरेशन वो अभी दो बार रिविजन के साथ मान लीजिए कि जैसे कि आप पढ़े हुए हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ रियल नंबर आपको पढ़ने का मान प्रबिलिटी तो आप कैसे पढ़िएगा तो उस जो आप मेरे से कोर्स खरीदिएगा तो आपको जिस डाउट होगा जो चैप्टर पढ़ना होगा जब पढ़ना होगा मैं तब पढ़ाऊंगा जरूरी नहीं कि जो चैप्टर जो पढ़ा दिया उसको वापस से नहीं पढ़ाऊंगा समझिए आपका कोई चैप्टर वीक रह गया इसका ये मतलब नहीं कि छोड़ देना है उसको मैं पढ़ाऊंगा ठीक है आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा उसके लिए ठीक है उसके लिए करने के आपको फाइव हंड्रेड रुपीज दे करके ये स्टडी मटेरियल खरीदना है आपको जो कि एक नवंबर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है वहाँ आप अपने मैसेज कर सकते हैं कि सर आई नीड योर स्टडी मटेरियल एंड हाउ डू आई पे मैं कैसे आपको पैसा दे सकता हूँ आप मुझसे कैसे खरीद सकते हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं जो कि आपके हाथ में एक नवंबर तक ये स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी ठीक है अब चलिए पढ़ते हैं कॉर्नेट ज्योमेट्री के बारे में देखिए स्टडी मटेरियल में जो कॉर्नेट ज्योमेट्री के मैं जो पेज आपको दिख रहा है वो पेज आपको उसमें ही मिलेगा इस पेज में क्या है सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और नोट्स है उसमें क्या होगा जब मैं आप अगर आप पूरा स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तो वो कॉर्नेट जोमेट्री का हर एक टाइप का क्वेश्चन हर हाँ एक टाइप का नोट्स सब कुछ डिटेल में समरी बीवीआई क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन जो गेस किया गया है कि इस बार यही आ सकता है उस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ठीक है चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में अब तो लेना हो आपकी मर्जी नहीं लेना हो मुझे तो क्या मैं बताने का ठीक है अब लेना लेना आपकी मर्जी है और कोई दबाव भी नहीं है अगर आपको अच्छा मिल रहा है कहीं और देन यू कैन अप्लाई अगर आपको अच्छा लगेगा लेक्चर आपको समझ आया कि नहीं ऐसा नोट्स लेना चाहिए देन यू आर

अब ये पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में कहाँ उड़ रहा है पूरा ट्रोपोस्फेयर में कहाँ उड़ रहा है इसको जानने का क्या तरीका है सर तरीका यही है कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मानते हैं कहीं से जैसे मान लीजिए यहाँ सर्विस सेंटर है इसका तो यहाँ से मानते हैं कि पॉइंट यहाँ भेजेंगे इसके एंड पे इसके यहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद जहाँ इसको जाना है वहाँ वो वाला वा अपना पॉइंट भेजेगा तो इस तरह से क्या होता है कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाता है कि अच्छा ये धरती से कितना ऊँचा है यहाँ से कितना दहिना है कितना बाया है सब कुछ दिखाया जाता है जिसको बोला जाता है कि आप जानते हैं सुनते होंगे कभी ना कभी बात मिनट रुकिएगा जरा ओके आप सुनते होंगे के बाद सुने है ना कभी, है। है कभी? तो देखिए जो कार्टियन सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम होता है मी ड्रो अगेन और आपको दिखाया जाए देखिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट Q U A D R A N T क्वाड्रेंट बोलते हैं ठीक है ठीके? अच्छा देखिए ये जो लाइन हो ना इस लाइन को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स क्या बोलते हैं एक्स प्लस ये क्या हमारा नेगेटिव एक्स एक्स माइनस ये क्या है हमारा वाई प्लस यानी कि पॉजिटिव वाई और ये क्या है हमारा वाई माइनस यानी कि निगेटिव वाई ठीक है यानी इस जो अंक रहेगा 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 क्या ठीक है समझ अच्छा यहाँ पे बात करते हैं मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है ये वाला पॉइंट है अगर तो ये क्या है एक्स में क्या है पॉजिटिव वाई में क्या है पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ कोई पॉइंट रहेगा तो एक्स में क्या होगा निगेटिव वाई में क्या होगा पॉजिटिव तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स में भी निगेटिव वाई में भी निगेटिव यहां क्या होगा एक्स में तो पॉजिटिव और वाई में निगेटिव ऐसा होगा इसीलिए इस तरह का दर्शाया गया है ठीक है तो आप ये देख सकते हैं यहां यार, क्या हो रहा है ब्राइटनेस दिखाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा कैसा, कैसा कैसे पढ़ाई हो रहा है ठीक है समझिएगा देखिए इसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वार्डेंट ये दोनों जो होता है चारों क्या होता है आपस में नाइन्टी डिग्री डी पर लगा होता है इसको बोलते हैं हम लोग कार्टिजियन सिस्टम ठीक है चलिए दिस इज एस सिंपल यूज टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ अ पॉइंट पोजिशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका देखिए हमारा जो एक्स है और ये वो है और जो एक्स है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस यहाँ पे वाई का कोई भी पॉइंट जो होगा ना जीरो होगा ठीक है अब बात करते हैं वाई ओ वाई डैश जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है वाई ओ वाई डैश इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस और यहाँ पे एक से कोई पॉइंट नहीं रहता है एक से पॉइंट क्या होता है एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं जीरो ठीक है यानी कि एक्सो एक्स में वाई जीरो और वाई ओ वाई में एक्स जीरो होता है यानी कब कोई आपसे पूछे कोई आपको बोले कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट का जो कॉर्डिनेट होगा ना उसका वाई कॉर्डनेट जीरो होगा और एक क्या होगा और वाई एक्सिस पे रहेगा तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है देखिए दोस्त जीरो को बोलते हैं यानी कि ओ को बोलते हैं ओरिजिन एक्सिस को बोलते हैं एफसीसा वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट यहाँ आपको दिया जाए कि फाइन द ऑर्डिनेट मतलब आपसे पूछा जा रहा है वाई एक्सिस पूछा जा रहा है ठीक है अच्छा लिखने का तरीका क्या है वो समझते हैं पहले देखिए एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एक्स वाई एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन जाएगा ना तो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगा वो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा तो अगला बात क्या है द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इज इम्पोर्टेंट इन एक्स वाई जैसे कहने मतलब क्या है इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जैसे मान लीजिए एक जगह ऐसा लिखा गया है देखिएगा लिखा गया है टू और थ्री और एक जगह लिखा गया है माइनस टू और माइनस थ्री ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि एक्स में दो चलने पर आ रहा है और ये वाई में तीन चलने पर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ एक्स में माइनस दो चलने पर आ रहा है और एक्स में माइनस तीन चलने पर आ रहा है मतलब इसका पॉइंट कहाँ होगा यहाँ कहीं होगा फर्स्ट क्वार में और इसका पॉइंट क्या होगा थर्ड क्वारेंट में होगा तब ना एक्स माइनस आएगा वाई माइनस आएगा यहाँ पर क्या होगा तब ना एक्स प्लस हुआ और वाई प्लस आएगा समझ गए तो पॉइंट का डिफरेंस देख लिए एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है तो इतना का डिफरेंस है सो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ऑर्डर में क्या है सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस फिर लिखते हम लोग वाई एक्सिस और इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं ठीक है चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस इसमें कैसे तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिएगा अभी तक हमने जो पढ़ा क्वेश्चन पूछा सकता है ऐसा पूछा सकता है कि राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल आप कोऑर्डिनेट बताइए अगर अगर जिसका जो लेंथ है ना वो 6 है और उसका जो ब्रेथ है वो चार है ठीक है इट वर्टेक्स इज एट ओरिजिन मतलब एक कोना क्या है जीरो पे है ओरिजिन पे है द लॉन्गर साइड इज एक्सिस मतलब एक, एक लंबा वाला भाग जो है वो एक्सिस पे है और शॉर्टर जो है एक्सिस पे है तो लंबा वाला कितना है छ है और वाई कितना है फोर है ठीक है ये छ हो गया ये चार हो गया तो यहाँ भी छह होगा और यहाँ भी चार होगा यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स में छ और वाई में चार आंसर क्या हो जाएगा सिक्स कम फोर लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त यहाँ पे क्या है ये माइनस सिक्स होगा तो एक्स हो जाएगा माइनस सिक्स और वाई कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा कोई दिक्कत चलिए आगे चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टॉपिक जो आपको पढ़ना है वह डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होता है होल स्क्वायर ठीक है ऐसा आपको मिलेगा देखिए क्या है समझिएगा ऐसे मान लीजिए कि कोई प्लेन है यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका कॉर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन और यहाँ कोई पॉइंट है इसका कॉर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू तो क्वेश्चन पूछे कोई इसका डिस्टेंस कितना होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ऐसे निकालते हैं रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप हमारा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल वीडियो देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसका और स्ट्रॉन्ग करना तो आप तीन घंटा में पूरा के पूरा कॉर्नेट ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं पर डे अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो समझिए कि आपका चैप्टर जो होगा तीन चार बार रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले ठीक है तो आप अगर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो लेक्चर का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है कॉर्नेट ज्योमेट्री के नाम से आप देख सकते हैं वहाँ पे तीन चार घंटा का पूरा चैप्टर होगा आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है नहीं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालने की कोशिश करूंगा याद तो रहा तो डाल दूंगा ठीक है अगला बात क्या देखिए कि लेट पी एक्स कमा वाई बी ए पॉइंट जीरो जीरो बी द ओरिजिन अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट जो है ना एक्स कमा वाई है और उसका दूरी जो है ना जीरो कमा जीरो ओरिजिन से बताना है तो जब भी ओरिजिन की बात आएगा तो क्या हो जाएगा इसका एक्स टू जीरो हो जाएगा तो इसे मान लीजिए कोई पॉइंट है वन टू और निकालना है थ्री टू से तब ना इसका एक्स टू वन एक्स टू का दो बात होगा अगर मान लीजिए ये पूरा के पूरा जीरो जीरो रहा ये जीरो ये जीरो तो सिर्फ इसका इसका बात करेंगे इसको प्लस माइनस करने का कोई फायदा है तो क्या करेंगे रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यही आंसर होगा इसका रूट यही इसका क्या होगा दूरी होगा ठीक है पॉइंट का ओरिजिन से ठीक है तो ओरिजिन में क्या करना है जब भी ऐसा ओरिजिन का क्वेश्चन आएगा सीधे लिखना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पहला टाइप समझ में आ गया था लेंथ ब्रेथ वाला जो बताए थे कोऑर्डिनेट फाइंड करना दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे डिस्टेंस फॉर्मुला पे वो क्या देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आप वाई का वैल्यू बताइए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज दस देखिए एक पॉइंट कॉर्डिनेट था टू कॉमा वाई और एक कॉर्डिनेट था माइनस फोर कॉमा थ्री इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो तो हमें क्या दिया है दस दे दिया है इस दोनों के बीच का दूरी कितना है दस है तो आप ये वाई बताइए वाई कितना है तो आप जानते हैं फॉर्मूला बिठा दीजिए टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स टू एक्स टू कितना है माइनस फोर माइनस एक्स वन मतलब कि माइनस एक्स वन कितना है टू का स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है थ्री वाई वन कितना है माइनस वाई का स्क्वायर अब क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या, क्या हो जाएगा इधर हंड्रेड अच्छा, हो जाएगा इधर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स स्क्वायर यानी थर्टी सिक्स प्लस थ्री का स्क्वायर यानी नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई यानी इसको तोड़ लिए यार थ्री माइनस वाई के होली स्क्वायर को तोड़ लिए अच्छा इसको कितना हो जाएगा फोटी फाइव और क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव यानी कि वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस फिफ्टी फाइव आंसर आएगा इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसको so सॉल्व करेंगे जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आपको पढ़ना आता है क्वारिटिक क्वेश्चन में नहीं जानते तो कोई बात नहीं सीख लीजिए जल्दी आसान पड़ता है क्या करना होता है कि आपको इस सिक्स को ऐसा तोड़ना होता है जो कि मल्टीप्लाई करने पर और पे पचपन आ जाए और जोड़ने पे छः आ जाए देखिए तो माइनस ग्यारह प्लस पाँच कितना हो जाएगा माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स आए और माइनस ग्यारह प्लस पाँच माइनस पचपन भी होता है गुना करने पे सॉरी माइनस ग्यारह इंटू पाँच माइनस पचपन भी होता है ना तो आपको सिक्स मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना होता है कि गुना करने पर कॉन्सटेंट टर्म आ जाए और जोड़ने पर मिडिल टर्म आ जाए ठीक है ठीक है आगे चलते हैं इसके बारे में अच्छा है समझना है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं वही बना के रखा चैनल चैनल पर बनाया हुआ है ठीक है या फिर आप पोनॉमल का वीडियो देखते हैं उसमें भी बताया गया जो कॉमन वन लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा वो इलेवन एंड माइनस फाइव यानी कि अगर जो कॉर्डिनेट है ना हमारा जो दस दूरी है ना या तो टू को इलेवन से भी आ सकता है या टू कोमा माइनस फाइव से भी आ सकता है जब अगलाट क्या हो माइनस फोर कॉमा थ्री हो तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा दस और दस डिस्टेंस आएगा ठीक है अलग टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा सकता है आपसे कि फाइन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बीस का पंद्रह फॉर्म ओरिजिन जानते हैं ओरिजिन के लिए क्या है? आप कर तो कर तो मैं क्या यूनिट मिल गया ठीक है डायरेक्टली अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विस्टेंस पॉइंट अलग अलग जो डिस्टेंस है इक्विटेंस मतलब सेम डिस्टेंस उसका मैंने पूछा मतलब क्या देखिए बोला क्या गया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताइए फ्रॉम द पॉइंट सेवन सिक्स माइनस थ्री फोर माइनस थ्री का फोर जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे माइनस थ्री का जो फोर पॉइंट है और सेवन का सिक्स जो पॉइंट है वो दोनों क्या है वो दोनों पॉइंट से ना कोई पॉइंट है एक सेक्सिस पे एक एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो दोनों से क्या इक्वल दूरी पे है अगर मान लीजिए इसे एक्स है तो इसे भी एक है और कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट है जो कि एक एक्सिस पे है तो आप एक बार बताइए कि आपको बताए थे अभी जस्ट शुरुआत में ही अगर कोई पॉइंट एक एक्सिस में होगा तो उसका वाई कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बिकॉज एक एक्सिस पे कोई वाई का टर्म नहीं होता है इसलिए एक एक्सिस पे वाई का टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा सेवन कोमा सिक्स जो है एक्स कोमा जीरो से जो दूरी बनाता है वही दूरी बनाता है माइनस थ्री कोमा फोर भी एक्स कोमा जीरो से ठीक है तो क्या करेंगे एक बार क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे पी क्यू निकाल लेंगे पी क्यू एक बार निकाल लेंगे पी आर आपको पता है पी कितना है एक्स कोमा जीरो है तो फॉर्मला में डालेंगे और हमें क्या मिलेगा एक जगह मिलेगा ट्वेंटी एक्सवल टू थर्टी वहां सेवल से मिल जाएगा थ्री और हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे क्या करेंगे पी क्यू बराबर पियर कर देंगे दोनों में फॉर्मूला डालेंगे फॉर्मूला डाल के सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा का वैल्यू जो कि है थ्री यानी कि जो वैल्यू होगा ना यानी कि थ्री कॉमा जीरो का ऐसा पॉइंट है जहां सेवन कॉमा सिक्स की दूरी जो है वही माइनस थ्री कॉमा फोर की दूरी है उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के साथ समझ गए ऐसा इसका आंसर निकलेगा अगला लास्ट टाइप का क्वेश्चन पूछाता है आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला पे वो क्या जाता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोल देखिए दोस्त

एक बार जो करेंगे इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे तो पांच यूनिट आया एक बार इसका डिस्टेंस निकाल देंगे तो पांच यूनिट आया इस दोनों का निकालेंगे तो दस यूनिट आ गया तो एक बात बताइए कि अगर ए बी सी तीन पॉइंट है कॉलिनियर ठीक है ए बी सी और ये पांच है ये पांच है तो टोटल कितना होना चाहिए दस होना चाहिए तो क्या बात सही है आंसर में यही है आया है पांच पांच दस अब चूंकि ए बी प्लस बी सी टू ए सी है देर फोर ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट यानी इस दोनों को जोड़ते हैं समझिएगा इसको वेट अ मिनट इसको जोड़ते हैं इसको जोड़ते हैं तो हमें पूरा का लाइन मिल रहा है और चूंकि ऐसा मिल रहा है देयर ए बी सी आर पॉइंट समझ गए ऐसे सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को अगला जो टॉपिक आता है टॉपिक टू सॉरी उससे पहले एक और क्वेश्चन है अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया ज्योमेट्रिकल फिगर के बेस्ड यानी कि अगर ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया आपसे तो क्या करता है तरीका क्या होता है पहला बात अगर आपसे पूछा है ट्रेंगल लेके बात जब भी आपसे ट्रेंगल के लेके बात पूछेगा तब क्या कर दीजिए प्रूव क्या कर दीजिए उसका जो सम ऑफ लेंथ है ना वो टू साइड से बड़ा होना चाहिए आप जानते हैं कि दो अगर दो ट्रेंगल है तो अगर ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी का जो सम है ना वो ए सी से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए हमेशा सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड तभी ट्रेंगल बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा तो प्रूफ ऐसा कर सकते हैं और आपसे पूछा जाए आइसोज ट्रेंगल है ये प्रूफ करने के लिए तो आप क्या कर दीजिए उसका टू साइड इक्वल बता दीजिए ठीक है डिस्टेंस निकाल के मान लीजिए कि ये ऐसा रहा और ये रहा आपको वन कमा टू ये रहा आपको फोर कमा सिक्स ऐसा कुछ रहा और ये कमर रहा एक सौ वाई रहा ठीक है तो आप हमें से बता दीजिए अगर वन कंवर टू और फोर कवर सिक्स का जो डिस्टेंस आया वही डिस्टेंस वन कंवर टू और एक सौ वाई का आया मतलब ये दोनों लाइन क्या है आप उसमें बराबर है और बराबर हो तो क्या होगा ये ट्रेंगल क्या होगा इक्वी डिस्टेंस ट्रेंगल हो जाएगा अच्छा और आपसे राइट एंगल के बारे में पूछा तो राइट एंगल के बारे में क्या कीजिएगा आप सीधे सीधे बता दीजिए कि प्रूव डैट साइड ऑफ ट्रेंगल सटिस्फाइड मान लीजिए इसका साइड निकाल लीजिए इसका साइड निकाल लीजिए इसका साइड तीनों साइड निकाल लीजिए अब तीनों साइड निकालने के बाद क्या करिए आप एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में देख लीजिए मान लीजिए इसका साइड आया तेरह इसका आया 5 और इसका आया बारह तो देखिएगा जैसे ही 5 बारह तेरह आएगा तो आप वैल्यू डालिएगा तेरह का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन पी का स्क्वायर नहीं पच्चीस और बी का स्क्वायर मतलब वन सिक्सटी नाइन सॉरी वन वन फोर्टी फोर अब जैसे जोड़िएगा तो ओके मिल जाएगा वन सिक्सटी नाइन मिल जाएगा यानी कि जो ट्रेंगल है ना जिसका साइड तेरह पांच बारह है वो क्या है एक राइट एंगल ट्रेंगल है ऐसा प्रूफ कर दीजिएगा अगर आपसे पूछा इक्विट्रल ट्रेंगल के बारे में तो आप तीनों साइड इक्वल है ये बता दीजिएगा कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दीजिएगा और आपसे पूछा जाए पैरेललोग्राम प्रूफ करिए तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कीजिएगा प्रूफ कर दीजिए कि उसका जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है ठीक है आपसे रेक्टेंगल पूछे तो प्रूफ कर दीजिए उसका जो अपोजिट साइड है उसके साथ साथ उसका डायगोनल भी इक्वल है परोग्राम पूछा तो सीधे बता दीजिए कि अपोजिट साइड इक्वल है रेक्टेंगल पूछा तो यही बताइए कि अपोजिट साइड के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल है तभी क्या होगा हो? एक एक रेक्टेंगल होगा स्क्वायर पूछा जाए तो आप चारों साइड इक्वल बता दीजिए और डायगोनल भी इक्वल बता दीजिए रोमबस पूछे तो आप सीधे बता दीजिए कि उसका चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोमबस हो जाएगा और अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा समझिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि सो डैट द पॉइंट टू कोमा थ्री थ्री कोमा फोर फाइव कामा सेक्शन फोर कोमा फाइव आर द वर्टिज ऑफ पेलेलोग्राम ये जो चारों पॉइंट है ना वो पेलेलोग्राम का है ये प्रूव करके बताइए तो क्या करेंगे लिख देंगे सब जगह पॉइंट को लिख दिए ठीक है ए बी सी लिख दिए और ए के जब लिख दिए टू कोमा थ्री बी के जब लिख दिए थ्री कोमा फोर ऐसे करके चारों तरफ लिख दिए और क्या किए एक और ए बी निकाले तो कितना आया रूट टू आया ए क्या था ए था ये पॉइंट और बी था ये पॉइंट क्या करेंगे प्लस वाई टू माइनस वन स्क्वायर क्या करेंगे समझ गए तो टू टू यूनिट ठीक है ये टू रूट टू आया ये रूट टू आया अब देखे तो क्या हुआ हमें देख के क्या समझ में आया इसका जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है ठीक है आ गया अब अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाता है सॉरी डायगोनल अगर समझ गए क्या प्रूव करना है परिलोग्राम प्रूफ करना है तो क्या करेंगे अपोजिट वो साइड नॉट इक्वल है ये प्रूफ कर देंगे अच्छा ठीक है अगला बात देखें क्या है है देखना क्या है कि अगर ए सी जो है ए सी अगर बी डी के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा लेकिन क्या देखें यहाँ पे ए सी जो है बी डी के बराबर नहीं आया मतलब बी डी नॉट इक्वल टू ए सी मतलब डायगोनल आर नॉट इक्वल डायगोनल कैसे निकालेंगे इसे कि आपको बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है डी का दिया हुआ है इन दोनों को जो डिस्टेंस निकाल लीजिए आपको ए दिया था सी दिया था इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर आता तो क्या हो जाता हो जाता लेकिन दोनों का डिस्टेंस बराबर नहीं आया इसलिए क्या है, है ये बात सही है कोई Hence, representing a, representing a कोई नहीं चले आगे चलिए अगला बात करते हैं आपका सेक्शन फार्मूला के बारे में इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा है आपसे देखिए अभी तक हमने बात करा पॉइंट पर क्वेश्चन पूछने वाला इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस ज्योमेट्री उसका डिस्टेंस फॉर्मूला पे ओरिजिन वाला पे इन टोटल हमने छह टाइप का क्वेश्चन देख लिया है छः सात टाइप का टोटल सेवन टाइप का क्वेश्चन हमने सिक्स टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया है अब बात करते हैं आपका सेक्शन फॉमूला के बारे में देखिए चूंकि ये वन शॉट है इसमें सब कुछ डिटेल में नहीं समझाया जाएगा अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उसका पूरा जो वीडियो है वो देख सकते हैं फिलहाल ये क्या होगा हम कुछ छोड़ेंगे नहीं ये गारंटी पूरा देते हैं आपको ठीक है तो इसको आप गौर करिए थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ जल ही जीवन है है नहीं? तो कि नहीं चलिए तो कृपया फनी वेस्ट ना करें ठीक है चलिए मुद्दे की बात हो गई अब मुद्दे की बात पे आते हैं असली मुद्दे पे ठीक है वो क्या देखिए सेक्शन फॉमूला दो टाइप का होता है एक होता है इंटरनल डिवीजन एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन ठीक है अगर आपका क्वेश्चन रहे इंटरनल डिवीजन पे तो फॉर्मूला जो लगता है वो होता है क्या कि जैसे सेक्शन फार्मूला मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी जो लाइन है कोई पॉइंट पी है उसको कितना पार्ट में तोड़ देता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला ठीक है सेक्शन में तोड़ दिया

कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अगर 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 डिवीजन क्या हो इंटरनली हुआ हो तो एक्सटर्नली में क्या करेंगे जितना जगह आपको प्लस दिख रहा है उतना जगह माइनस लगा दीजिए आपको एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा एक आता है मिड पॉइंट फार्मूला देखिए मान लीजिए कि अगर जो पॉइंट ए और बी है जो पॉइंट पी है ना इसको एकदम बीच से काटा है तो बीच से काटेगा का तो एम और एन तो बराबर हो जाएगा बिकॉज एम इसे मान लीजिए कि अगर ये चार यूनिट का था पी इसको दो दो यूनिट में काट दिया तो टू बाई टू यानी कि वन नहीं हो गया रेशियो वन हो गया जैसे रिसीव वन होगा एम के जहां पे वन डालेंगे इनके के पे पर वन डालेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा ऐसा मिलेगा एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू डिडेड बाई और उसका मिल जाएगा आपको एक्स कॉर्डनेट वाई के लिए क्या मिलेगा वाई टू प्लस वाई वन बाई टू आपको मिल जाएगा वाई कॉर्डिनेट यानी अगर मिड पॉइंट होगा तो फॉर्मूला में क्या करना है एम और एन के जहां पर वन पुट कर देना है और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो एम और एन के जहाँ पे वन पुट कर दीजिए और इंटरनल डिविजन से क्वेश्चन बना लीजिए ठीक है और आपको फॉर्मूला याद है तो क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू दूसरा कॉर्डिनेट हो जाएगा आपको ठीक है चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप नंबर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट ज्वाइन द्वारा इंटरनली इन द रेशियोटर्नली इन द रेशियो टू इज टू वन फॉर वन इज टू वन रेशियो मतलब क्या है कि एक बार आपको बताना है कि जो पॉइंट है ना चार कमा माइनस थ्री नाइन कमा सेवन एक बार इंटरनली कटता है थ्री टू टू पे एक्सटर्नली करता है टू इज टू वन पे और एक बार करता है पे तो आप बताइए तीनों पॉइंट के लिए पी कितना होगा देखिए पहला क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हमें दिया दिया हुआ था दिया था रेशियो थ्री टू और हमें पी पूछ रहा था तो, तो क्या करते हैं एम एक्स टू यानी कि थ्री इंटू नाइन प्लस एन एक्स वन यानी कि टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई एम प्लस यानी थ्री प्लस टू वाई के लिए क्या करते हैं एम वाई टू यानी कि थ्री इंटू सेवन एन वाई वन थ्री इंटू टू इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कि थ्री प्लस टू तो इसका वाई मिल जाएगा तो इस तरह से हम लोग पता किए तो हमें जो मिला वो पी का कोऑर्डिनेट क्या मिला सेवन कॉमा थ्री मिला बिकॉज़ देखिए यहाँ पे नौ तीन बारह चार सौ बारह आठ बीस बीस बटा सॉरी नौ तीन सत्ताईस सत्ताईस प्लस आठ पैंतीस पैंतीस वा पांच कितना होगा सेवन हो जाएगा तो यहाँ सेवन मिल गया यहाँ पे क्या हो जाएगा सातरी इक्कीस इक्कीस माइनस छह कितना हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन बाई फाइव कितना हो जाएगा थ्री यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री मिल गया अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था एक्सटर्नली दिया पूछ रहा था एक्सटर्नली में क्या दिया था वो भी आपको रेशियो दिया था टू इज टू वन ठीक है सॉरी गड़बड़ हो गया हमने क्या कर दिया थ्री इज टू टू के लेखने बता दिया ठीक है कोई बात नहीं आप जरूर डालिएगा टू इस टू वन डालिएगा और उसी तरह जो फॉर्मूला यहां था वहां पे क्या करना है सब जगह क्या कर देना है जितना जगह आपको दिख रहा है उतना जगह आप माइनस माइनस लगाते जाइए यहाँ भी माइनस 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 जो भी हो माइनस लगाते जाइए आपको पॉइंट मिल जाएगा थर्ड जो था आपका थर्ड क्या था रेशियो वन इज टू वन है तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही वन इज टू वन होता है वो क्या होता है मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यानी कि नौ चार तेरह वाटा दो और सात तीन मतलब चार वाटा दो यानी कि दो समझ गया ऐसा आपको आंसर मिल जाएगा अगला टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है आपसे ये पूछता है कि इन वाट रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेगा एक पॉइंट माइनस फोर कमासी जब लाइन सेगमेंट जो है वो इतना इतना है अब वो क्या कर दिया ये पॉइंट दे दिया ये पॉइंट दे दिया और ये भी पॉइंट दे दिया आपसे एम और एन पूछ लिया हो कितना होगा ठीक है ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे सेम तरह जाते रहेंगे क्या हुआ जो हम माइनस फोर निकलते थे क्या निकलते थे एक्स निकलते थे तो क्या होता है माइनस फोर इज टू क्या होता था एम एक्स टू यानी कि थ्री एम प्लस एक यानि एन एक्स वन यानी कि एन इंटू माइनस सिक्स सिक्स एन डिवाइड बाई एम प्लस एन ऐसे करके सॉल्व करके दो निकालेंगे, सो करेंगे, ऐसा मिल जाएगा या फिर अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो एक और तरीका आसान क्या है जब भी आपसे रेशियो पूछे आप रेशियो मान लीजिए के इज टू वन क्या मान लीजिए रेशियो के टू वन मान लीजिए उससे क्या होगा फटाक से आंसर मिलेगा आपको क्या करेंगे देखिए के इंटू थ्री प्लस माइनस सिक्स तो के इंटू थ्री यानी कि थ्री के माइनस सिक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस फोर अब जानते हैं क्या, क्या होता है कोऑर्डिनेट क्या होता है एम एम वाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन है उसी तरह y कितना दिया है सिक्स दिया है ठीक है वाई सिक्स दिया है और वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस एट के प्लस टेन बाई के प्लस वन समझ गए सॉल्व करेंगे यहां से k का वैल्यू मिलेगा और k का वैल्यू डाल देंगे हमें जो होगा k का मिल जाएगा टू कॉमा सेवन मिल जाएगा यानी कि रेशियो कितना था टू इंटू सेवन रेशियो में डिवाइड किया था जिसका पॉइंट क्या मिला था हमें माइनस फोर कॉमा सिक्स मिला था ठीक है दिक्कत यानी कि जब भी आपको डिवीजन पूछे कि कितना डिवाइड हुआ है तो सीधे सीधे आप क्या करिए इसका रेशियो निकाल दीजिए वही रेसियो केन डाल दीजिए और वहां से फटाक से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा और जो आंसर होगा वो टू बाई जो भी होगा पी बाई क्यू के फॉर्म आपको मिल जाएगा ठीक है नाइन नंबर टाइप जो क्वेश्चन पूछता है आपसे वो पूछता है कोलिनेटिव यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला उसमें क्या था कोलिनेटी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या पूछे क्वेश्चन कोलिनेटिव इन

उसके बाद हो गया वन कोमा थ्री जो हो गया या माइनस वन कोमा वन जो है ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है ये हमें बताइए ठीक है इसलिए क्या करेंगे मान लेंगे कि लेट द रेशियो बी के एज टू वन और पॉइंट को क्या करेंगे बीच में डाल देंगे ए लिख देंगे साइड में बी लिख देंगे साइड में और सी को क्या कर देंगे बीच में डाल देंगे ठीक है रेशियो के एज टू वन मान लेंगे सॉल्व करेंगे के कहल्यू निकालेंगे एक बार के यहां निकालेंगे दूसरे और क्या करेंगे के कहलू डाल देंगे वहां पे और पुट करके क्या मिलेगा हमें के कहलू वन मिल जाएगा ठीक है मीन्स सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी जैसे के कहलू वन मिल गया हम क्या समझ गए सी जो है मिड पॉइंट है और जैसे मिड पॉइंट हो गया तो आप जानते हैं मिड पॉइंट हो गया मतलब क्या ये दोनों का जो दूरी होगा वही ये दोनों का दूरी होगा और जब भी ये दोनों का दूरी सेम होता है तो क्या होता है कोलिनियर पॉइंट होता है अरे पर है ना अभी मतलब सीधे क्या करना है आपको रेशियो चेक कर लेना है कि अगर रेशियो वन इज टू वन आया तो ठीक नहीं आया तो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा क्या करना समझ गए जब भी क्वानिटी चेक करना है तो आप रेशियो क्या करिएगा रेशियो वन एज टू वन निकाल के देखिएगा अगर रेशियो वन एज टू वन आ रहा है तो ठीक नहीं तो पॉइंट क्वालियर नहीं होगा ठीक है ये सीबीसी दो में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है अगला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ज्योमेट्री बेस्ड ठीक है वो कैसे पूछा जाएगा देखिएगा कि फाइन द कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आप ए के कॉर्डिनेट बताइए जब ए बी जो है डायमीटर है ए बी क्या है डायमीटर ऑफ सर्कल है थ्री कोमा माइनस फोर एंड बी इज इक्वल टू वन कॉमा फोर इसलिए क्या करेंगे अब बताइए कि जब भी ये एक बार बताइएगा हमें एक डायमीटर है तो जो ए का डिस्टेंस होगा क्या वही सीबी का होगा यानी कि सी क्या है मिड पॉइंट है अरे ए सी का जो डिस्टेंस होगा ए का जो डिस्टेंस होगा वही ना होगा सीबी का डिस्टेंस बिकॉज ये भी क्या है यह भी रेडियस है ये भी रेडियस है तो इसका कॉर्नेट दिया है वो कितना कॉर्नेट कितना दिया है माइनस मतलब थ्री को माइनस फोर दियाई यानी कि एक्स प्लस वन बाई

निकाल लेते वही डिस्टेंस कितना होता है ए सी का डिस्टेंस होता है अरे रेडियस में जो सी बी का डिस्टेंस होता है दोनों को कॉर्डिनेट दिया था डिस्टेंस निकाल लेते वही डिस्टेंस किसका होता है ए और सी का भी होता तो डिस्टेंस पता होता और एक्स वाई पता निकालना था वहां से निकल जाता समझ गए लास्ट है वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो होता है ट्राई सेक्शन बेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है ट्राई सेक्शन बेस्ट प्रॉब्लम चूंकि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया इस बार 2021 सिलेबस के लिए 2021 एग्जाम के लिए तो आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं जो जरूरी है वही नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज ये सीरीज किसके लिए है सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए है इसके अलावा जो बच्चे देखेंगे इसको अगर अगले ईयर तो उनको फायदा तो होगा बस वो टॉपिक अलग कर दिया जाएगा मेरे द्वारा ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ऐसा पूछा जाएगा कि द द द द ऑफ 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 पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू कमा माइनस थ्री एंड फोर कमा वन अगर कोई लाइन सेगमेंट है टू कमा माइनस थ्री और फोर कमा माइनस वन वाला तो बताइए कि पी और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा जब जब किनो क्या है ट्राई सेक्शन है बार बता दे ट्राई से मतलब क्या जो ए पी का डिस्टेंस होगा वही पी क्यू का होगा वही क्यू बी का होगा मतलब अगर तीन टुक तीन मीटर का कोई लेंथ है तो एक मीटर दो मीटर तीन मीटर तीन टुकड़ा कर देना ट्राई सेक्शन ठीक है तो बताना है आपको ए दिया है आपको बी दिया है आपको ये पी और क्यू बताना है कि कॉर्डिनेट क्या होगा बताइए क्या करेंगे एक बार इसके लिए करने का समझिएगा आपको ए का पॉइंट दिया है और बी का पॉइंट दिया है ठीक है और आपको ये रेशियो ठीक है समझिएगा आप पेन पे गौर कीजिएगा और आपको ये रेशियो और ये रेशियो पता चल जाए तो काम बन जाएगा तो मानिए देखो ये कितना था वन था ये वन था ये वन था इसको वन रहने दीजिए इसको टू मान लीजिए अरे टोटल टू मान लीजिए वन प्लस वन टू हो गया ना तो एक बार निकाल लीजिए इस तरह से क्या करिए यहां जो कॉर्डनेट दिया था टू तो कमा माइनस थ्री और कॉर्डनेट दिया था तो यहां तो पे फोर कमा माइनस वन तो यहाँ निकाल लीजिए पी का कॉर्डनेट कैसे निकलेगा एम वाई वन प्लस सॉरी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन उसी तरह एम वाई वन डिवाइडेड बाई एन वाई सॉरी एम वाई टू बाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन निकाल लीजिए अच्छा एक बार ऐसा निकल जाएगा दूसरे बार क्या करना है आपको ए पता है आपको पी भी पता चल गया अब क्यू निकालना है और बी दिया था इसको वन मानिए टोटल को मान लीजिए तो इसका क्यू का मिल जाएगा समझ गए इस तरह से जब सॉल्व करिएगा तो क्या हुआ देखिए यहां पे लेट पी डिड रेसियो इनियो वन इज टू वन इज टू करने मतलब क्या हुआ कि ये वन है तो ये टू होगा बिकॉज ये आधा आधा वन वन था

सेक्शन बेस्ड और कोल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ठीक है ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा मतलब कि टोटल जो है तीन टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछने का ज्यादा चांस है अगर चार नंबर में पूछा गया तो दो नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कोल और तीन चार नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ज्योमेट्री बेस्ड ठीक है तो इसका आप इसका सॉल्व करिएगा अगर आपको सेक्शन अच्छा लगा और आपको ऐसा नोट्स चाहिए ऐसा मेरा सब अगर चाहिए स्टडी मटेरियल जिसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन का ग्यारह इससे ग्यारह है और पचपन क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको मान लीजिए ग्यारह पच्चीस पचपन हर टाइप का पाँच क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर दीजिए एग्जाम में बिकॉज आपको उस टाइप के अलावा क्वेश्चन मिलेगा ही ना उस टाइप के अलावा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं जो मैं जो मैं अपने बुक में बुलेट में दे दूंगा जो अपने स्टडी मटेरियल में जो मैं क्वेश्चन दे दूंगा उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं एग्जाम में एक्स्ट्रा ठीक है ये मैं गारंटी से कर सकता हूँ ठीक है बिकॉज एक्सपीरियंस है यार देखते रहने क्वेश्चन देखने का प्रीवियस ईयर देखने का समय पेपर ऑब्जॉर्व करने का ठीक है सो so, ज़्यादा बिना बकवास किए हुए अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं नहीं तो कोई फोर्स नहीं है लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप एक नंबर तक वेट कर सकते हैं बिकॉज एक नवंबर के बाद मैं स्टडी मटेरियल को आपको देने के लिए तैयार हो जाऊँगा और इसको कैसे लेना है किस तरह से परचेज करना है वो सब क्या कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है वहाँ से आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं और इसके अलावा इस चैप्टर का जो डि डि डिटेल वीडियो है उसका जो लिंक जो है दोस्त, हमने क्या कर देखा है अभी तक हमने अभी तक कवर कर रखा है रियल नंबर ठीक है हमने कवर कर लिया है पोलिनोम हमने कवर कर लिया आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके अलावा हमने कर रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी अब जो बारी आएगी वो बारी है किसकी अब की जो बारी होगी वो अब होगी एस एस इसमें की बात करेंगे डेवलपमेंट डेवलपमेंट के अलावा किसके बारे में बात होगा उसके बाद होगा रिसोर्स डेवलपमेंट उसके बाद होगा आपका पावर शेयरिंग उसके बाद होगा राइज ऑफ नेशनल यूरोप यानी ने कि कहने का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैथ का जो लेक्चर है ना वो कंटिन्यू रखूँ ताकि जो आपका पंद्रह चैप्टर है वो सबसे पहले हो जाए ताकि उसको सॉल्व करने आपको दिक्कत ना हो और मैथ का मेरा सारा चैप्टर का वीडियो जो वन शॉट एकदम लिस्ट से लगा हो ऐसा करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा तब तो तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं आपको और आपको पसंद आए तो आपसे जरूर लीजिएगा ठीक है थैंक यू सो मच